नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज फिर मोटो ब्लॉगिंग आपको देखने को मिलेगी और आज फिर एक ज़रूरी काम के लिए हम जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जो अपन ने सिंगल सीट करवा ली अपनी गाड़ी की, तो अब पीछे लगेज रखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब कोई पीछे की सीट रहती थी तो उस पर आपका टेल बैग वगैरह है या और कोई सामान बन जाता था, लेकिन अब अपने पास ऐसा कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है पीछे। और लेफ्ट साइड में जो साड़ी गार्ड है, अगर उससे अगर कोई भारी बैग बांध लेते हैं तो गाड़ी अनबैलेंस होगी, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वजन होना चाहिए। तो एक रॉयल इनफील्ड ने ही जो अपने सिग्नल से, मैं आपने देखा होगा उसका जो सिग्नल मॉडल है, उसमें सेडल बैग्स निकाले थे, उसके साथ में एक स्टैंड आता था। तो हम आफ्टर मार्केट वो देखने जा रहे हैं कि अगर हमको बाज़ार में वो मिल जाता है तो वो स्टैंड लगवा लेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं है, मतलब आप रूटीन में भी लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जो लद्दाख कैरियर है, इसके बाद ऑप्शन आता है लद्दाख कैरियर का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो उसको आप सिटी में दिन भर लगा के नहीं घूम सकते। और ये जो छोटा सेडल स्टे है, ये स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, बस इसी को हम ढूंढने जा रहे हैं। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो फिर रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर चलेंगे, क्योंकि उनके पास तो रहता ही होगा। तो वो सिर्फ स्टैंड देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी एक परेशानी रहेगी अपने साथ में। तो अभी हम चल रहे हैं इंदौर के छोटी वाली टोली मार्केट में, जहाँ पे इस तरह का सारा सामान मिलता है। और अंकित ऑटो पार्ट्स करके है जो एसेसरीज जेन्युइन रखते हैं, मतलब नॉमिनल कॉस्ट में आपको वहाँ मिल जाएगी, और हमारे परिचित भी हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं। बाकी भी आपने जो एसेसरीज देख रखी है गाड़ी में, ये सब मैंने वहीं से लगवाई थी। तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आपको वहीं पर और देखते हैं कि वो सेडल स्टे वहाँ मिलता है या नहीं। तो ये स्मार्ट सिटी के चक्कर में है ना, इन दिनों आधा शहर हमारा खुदा पड़ा है, और जिस इलाके में हम रहते हैं पश्चिम क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी उसी को बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, इतनी धीमी गति से काम चल रहा है कि बता नहीं सकते आपको, क्या पता कब सड़कें बनेंगे, कब चौड़ीकरण होगा, और जगह जगह फिर आधे मकान टूट चुके हैं, आधे टूटे नहीं। अब ये देखिए आप, यहाँ तक टूटे हैं और आगे आके ये ख़त्म, बट अभी भी अतिक्रमण लोगों ने टूटने के बाद भी वापस कर लिया। ये देखो आपको राइट साइड में कितने कब्जे दिखेंगे, ये देखो, मतलब आपको लग रहा है कि रोड इतना चौड़ा होगा, ये जिस हिसाब से मकान तोड़े गए थे, ये कितना कब्जा है ये देखो। और ये हमेशा रहेगा यहाँ पे, हमेशा रहेगा, ये देखो बाप कहाँ कहाँ तक दुकानें रोड पर। पानी नहीं आ जाए दोस्तों, नहीं तो आज हमको गीला होना पड़ेगा, क्योंकि हम रेनकोट लाए नहीं हैं और मौसम तो बन रहा है। ये देखो आप, बादल चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम तो बरसेंगे भैया, हम तो बरसेंगे। तो चलो देखते हैं, पहले तो अपना सेडल स्टे देखें। ये पहुंच गए हम मार्केट में, और कहाँ गई दुकान हमारी, ये रही, भीड़ सबसे ज़्यादा यहीं लगी रहती है। वो बैठे उस्ताद। तो दोस्तों, हमको वो तो नहीं मिला हमारा, क्या करियर सेडल स्टे। अब यहाँ पे सीट वाले भैया से हमको थोड़ा सा काम है, वो कर लेते हैं, और फिर दो तीन ऑप्शन है अपने पास में। श्रीवर्धन यार, यहाँ पे करियर तो लटके हुए हैं, देख लें क्या। यार बड़े भैया, मेरे को ये चाहिए सेडल स्टे पीछे वाला, आपके वहाँ करियर ज़्यादा दिख रहे हैं, मिल जाएगा क्या? पीछे के, पीछे वाला चाहिए। हाँ पूछो ना भैया से, देख लेते हैं, यहाँ लटके हुए तो बहुत सारे दिख रहे हैं। लो भैया, अच्छा ये सर लेग गार्ड है पीछ। चलो भैया धन्यवाद। चलो भैया, यहाँ तो मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इंदौर में मिलेगा नहीं, अब करते हैं कोशिश अपन, फिर भी नहीं तो फिर ऑनलाइन तो बुलवा ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ना। हालांकि दो जगह और है भी अपने पास में, तो वहाँ भी चलते हैं आज।
और दोस्तों त्योहारों के चलते मार्केट में भीड़ देखो आपको नजर आएगी। गणेश जी की स्थापना होने वाली है 10 सितंबर को, तो ये देखो दुकानें सज गई हैं गणेश जी महाराज की। ये देखिए आप, परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, स्थापना करेंगे। जय हो गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों ये है बाइक एंड आर्मर्स एवी रोड पर प्रेस कॉम्प्लेक्स के सामने। तो यहाँ भी हमारा काम हुआ नहीं है, यहाँ भी है नहीं, न साइडल स्टे है न सेडल बैग है। अब हम चलते हैं राइडर जंक्शन पे, और अगर राइडर जंक्शन पे भी नहीं हुआ तो फिर सीधे हम शोरूम पे चलेंगे रॉयल इनफील्ड के, और वहाँ अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही बुलवाना पड़ेगा। तो अब हमको जाना है सी राइडर जंक्शन। तो ये पहुँच गए हम राइडर जंक्शन पे। अब हमारी समस्या का समाधान इतने होता है कि नहीं वो देखते थे। तो दोस्तों फाइनली अपनी बैग तो अपने ये नोमेड वाले हैं, फाइनली यही लेना है, लेकिन इधर का जो जुगाड़ है वो अपन अब साड़ी गार्ड ऐसा का ऐसा जो कंपनी का साड़ी गार्ड है वैसा अगर अपने को मिल गया तो काम हो जाएगा। और ये देखिए आप, यहाँ पे ये जो ऐसा का ऐसा पेड़दान है वो उधर आएगा और उसके ऊपर वो वेट ले लेगा। तो भैया से बोला है कल बुलवाएंगे अपने लिए, और बैग और ये दोनों फाइनल कर देंगे। तो मित्रों फाइनली आज तो अपना ये काम हुआ नहीं, लेकिन हाँ जुगाड़ हो गई है। साड़ी गार्ड अपना अगर इस साइड भी लग गया तो फिर अपने ये जो बैग अपने को चाहिए थे राइनोस का नोमेड जो मॉडल है वो, तो वो अपने सेडल बैग इधर दोनों साइड लग जाएंगे और अपना काम हो जाएगा परफेक्ट। फिर अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, तो बस वो आ जाए फिर सेडल बैग भी ले लेंगे और सेडल बैग भी लगा देंगे और बढ़िया काम हो जाएगा अपना। तो अपन कहीं भी मतलब एक आध सप्ताह के भी टूर पर जाते हैं तो टैंक बैग और दो सेडल बैग, इसमें अपना काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जब भी ये होता है मैं दिखाता हूँ। देखो पानी तेज़ हो गया, मैंने कहा था ना कि पानी नहीं आ जाए, और पानी आ गया। मेरे को कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी मोबाइल वोबाइल सब की और गोप्रो की सबसे पहले। तो चलिए पानी आ गया तेज, मैं सीधा आपको घर पे मिलता हूँ। और ये लड़की ने क्या करा है आज, चांद की चोरी कर मेहंदी लगा ली है। क्यों लगी मेहंदी? अरे यार तो सुंदर लग रही है लेकिन लगी क्यों? आपने भी लगाई है? बारहवीं ने भी लगाई है? हाँ कहाँ लगी बताओ। वाह यार, बारहवीं ने भी लगा ली, चेरी ने भी लगा ली। तो ये देखो दोस्तों, कोई सा भी त्योहार हो इनका तैयार होना जरूरी है। पूरे घर में मेहंदी मेहंदी कर दी। क्या यार चेरी तूने क्या कराया? तो दोस्तों सेडल स्टे हमको 2 या 4 दिन में मिल जाएगा। वैसे तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में बुलवा देंगे, लेकिन अगर 1-2 दिन में नहीं आता है तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। नोट सेडल स्टे वो साड़ी गार्ड बुलवा के दे रहे हैं, तो साड़ी गार्ड से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि एक साइड पहले से लगा हुआ है। और दोस्तों ये ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अभी देखिए कितनी बज गई है, सुबह की 4। और सुबह की 4 क्यों बज गई? क्योंकि मेरा जो 4-5 दिनों का डाटा था वो इकट्ठा हो गया था। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग काफ़ी दिन पहले आया था। तो हो क्या रहा है कि वीडियो 4-5 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो अब मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग डालने की, ताकि जो रोज़ का मटेरियल रहे वो रोज़ आपको भी दिखा सकूँ और मेरा भी थोड़ा लोड कम हो जाएगा। तो आज मुझे एडिट करने में टाइम लग गया, और बहुत सारे वीडियो ऐसे थे, रॉ फुटेज ऐसे थे जिसको डिलीट करा मैंने। और आज हड़तालिका तीज है, तो आपको ये आरती की आवाज़ आ रही होगी, ये सुनिए ध्यान से। तो आज महिलाओं का त्यौहार है, रात भर महिलाएं जागती हैं। तो हमारे आसपास भी जो हमारी काकी है, मामी है, वो लोग जाग रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। अभी रात में 2-3 बार अलग अलग 4 बार पूजाएं होती है, तो सभी महिलाएं जाग रही है और हम हमारी रातपाली कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो।